धान खरीदी केंद्र रिमारी में किसानों का अनशन जारी है। इस बीच देवथर विधायक श्याम लाल द्विवेदी ने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और खाद्य नागरिक आपूर्ति के आयुक्त से चर्चा कर किसानों की धान खरीदी किए जाने तथा जारी अनशन को तुड़वाने का आग्रह किया है। इसके बाद रीवा आते ही कलेक्टर रीवा से चर्चा कर सीधे अनशन स्थल रिमारी पहुंचकर अनशनकारी मनोज शुक्ला से चर्चा की है। अनशन स्थल पर विधायक द्विवेदी ने आंदोलनकारी किरणों की मांग का समर्थन करते हुए उपस्थित समस्त किसानों से कहा कि हमारे अन्नदाता किसानों की पीड़ा को प्रदेश सरकार दरकिनार कर रही है। समझ नहीं आता कि प्रदेश के मुखिया कमलनाथ अपने खाने में अन्न खाते हैं या नहीं। हमारे अन्नदाता किसान रात दिन मेहनत करके अपनी जमीन से अन्न उगाते हैं और उसी उपज को बेचकर अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर उपज की हुई धान बेच ही नहीं पाएंगे तो आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। सबसे दुख की बात यह है कि जब रात के समय पूरी जनता, शासन और प्रशासन गहरी नींद में सोता है, उस समय कड़ाके की ठंड में किसान खेत में पानी लगा रहा होता है, तपती धूप में जलता है तो केवल किसान गरज तड़प के साथ हो रही बारिश में अपनी जान को जोखिम में डालकर खेती करता है तो केवल किसान। एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। मीडिया में, अखबार में छपवा देते हैं, कैसे छपवाते हैं। इसलिए मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि ये कमलनाथ की सरकार किसान विरोधी सरकार है। मैं स्वाभिमान के साथ जीता हूँ, लेकिन वही स्वाभिमान मुझे यहाँ अनशन पर बैठने के लिए मजबूर किया। उसी पीड़ा ने मुझे अनशन में बैठने के लिए मजबूर किया कि जो पीड़ा मेरे परिवार को हो रही है इस धान के न बिकने से, इतने सारे किसान परिवारों को वो पीड़ा हो रही होगी और मैं मजबूर हो गया था अनशन बैठने के लिए। इसलिए मैं एक बार फिर साहस के साथ आप सबके संबल पर चाहता हूँ कि अगर दो दिन का अवसर चाहती है प्रशासन तो दो दिन मैं और गुजार लूंगा। मेरे बच्चों के भाग्य से मुझे भरोसा है कि मैं जिंदा रहूंगा, मुझे कुछ होगा नहीं। किसानों ने कहा प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीति अन्नदाता की मेहनत को दुत्कार रही है और सौतेला व्यवहार कर रही है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धान खरीदी के संबंध में SDM त्योथर MP बरार ने कहा कि कलेक्टर रीवा से बात हुई है तो कहा गया है कि किसानों की इस समस्या के निदान के लिए पहल की जाएगी। इसमें अभी मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, उनको भी दुख है और भरपूर कोशिश अपने स्तर से वो लोग कर रहे हैं। मेरी भी बात होती है, माननीय विधायक की भी बात हुई, तो ये चर्चा राज्य शासन के पास में है। उनका अभी क्या निर्णय होगा ये तत्काल होगा, लेकिन सभी जितनी भी चर्चाएं हुई संविदना है ये सभी जो है मध्य प्रदेश शासन के पास जा चुकी है और हमारा प्रयास है कि इस केंद्र के साथ जो अन्य केंद्र खुलना चाहिए वो भी खुले। ये जो 20 तारीख के बाद 30-31 को जो खुला था पोर्टल, उसमें ये बात सही है कुछ किसान रह गए हैं, शेष हैं, और कुछ केंद्रों में जहाँ पर पोर्टल नहीं खुल पाया था वहाँ पर किसान अभी उनकी खरीदी शेष थी, जिसके बारे में जिला प्रशासन से लगातार राज्य शासन को अवगत कराया जा रहा है, प्रतिदिन चर्चाएं हो रही हैं और उस पर पूरी कोशिश करके उसको खुलवा के और खरीदी कराने का प्रयास जिला कलेक्टर साहब के द्वारा करा जा रहा है। SDM के द्वारा पल पल की रिपोर्ट जा रही है। कल भी कलेक्टर साहब ने ये बात पर शाम को चर्चा की है वहाँ भोपाल में, और उम्मीद तो यही है कि ये गतिरोध दूर होगा और हमारे जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। दखल प्राइड अवार्ड 2020 दखल न्यूज सम्मानित करता है उन हस्तियों को जो समाज में उदाहरण बने, जिन्होंने देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। दखल प्राइड अवार्ड पे विशिष्ट अतिथि होंगे TS सिंहदेव, मंत्री स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य अतिथि PC शर्मा, मंत्री जनसंपर्क मध्य प्रदेश शासन, विशेष अतिथि विजेंद्र सिंह राठौर, मंत्री वाणिज्य कर मध्य प्रदेश शासन। आप सादर आमंत्रित हैं राज्य संग्रहालय सभागार भोपाल 16 फरवरी 2020 शाम 5:30 बजे। दखल प्राइड अवार्ड पावर्ड बाय दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, स्पॉन्सर्ड बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल, चित्रांश बिल्डर, भारतीय जीवन बीमा निगम जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मधुराम ग्रुप,
माइडास इंग्लिश एकेडमी, सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी भोपाल, ग्वालियर स्मार्ट सिटी।